सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। वो अपने भाई को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही हैं। इसी बीच श्वेता ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स अस्पताल कर्मी होने का दावा कर रहा है। शख्स ने अभिनेता की हत्या होने की बात कही है। जी हाँ, एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कूपर अस्पताल के कर्मचारी ने कहा कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का केस है। अस्पताल के कर्मचारी का दावा है कि वह सुशांत के शव को अस्पताल और फिर शमशान घाट लेकर गया था। वीडियो को शेयर करते हुए श्वेता ने लिखा, हे भगवान, इस तरह की खबरें सुनकर मेरा दिल लाख बार टूट जाता है। उन्होंने मेरे भाई के साथ क्या किया, कृपया उन्हें गिरफ्तार करें। अस्पताल कर्मचारी ने कहा कि हमको इतना ही मालूम था कि ये मर्डर है, ये मर्डर ही था, और जो निशान थे वो एक सुई के निशान थे। गले पर वो निशान थे, गले में 15 या 20 निशान थे और गले में कुछ सेलो टेप भी चिपका हुआ था। शख्स ने कहा कि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि ये मर्डर है, ये फांसी नहीं है। हम लोग तो बॉडी देखकर पहचान लेते हैं कि फांसी है या नहीं। फांसी के बाद बॉडी पीली नहीं पड़ेगी, बॉडी में कई जगह निशान थे, पैरों के तलवे में सुई चुभाने वाले निशान थे। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि CBI रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पठानी, नीरज सिंह, सैमुअल मिरांडा सहित सभी मुख्य आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकती है। CBI ज़्यादातर हाई प्रोफाइल केस में ही पॉलीग्राफ टेस्ट करती है। जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है उसकी सहमति ली जाती है। अब अगर रिया चक्रवर्ती ने पॉलीग्राफ टेस्ट से मना कर दिया तो CBI इसे फाइनल रिपोर्ट में भी लिखेगी। टेस्ट के बाद जो जानकारी मिलेगी उनको सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता है, लेकिन CBI उन्हें फाइनल रिपोर्ट में ज़रूर जोड़ेगी। आपको बता दें कि लगातार ही इस केस में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और कई राज हैं जो अब सामने आ रहे हैं। देखते हैं आगे और क्या सामने आता है। आप बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।